नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। बालासोर ट्रिपल ट्रेन हादसे की जांच कर रही सीबीआई ने एक जूनियर इंजीनियर से हाल ही में पूछताछ की थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया गया है कि जूनियर इंजीनियर पूछताछ के बाद से फरार है। दक्षिण पूर्व रेलवे के सीपीआर आदित्य कुमार चौधरी ने इन रिपोर्ट्स को गलत बताया है। चौधरी ने मंगलवार को कहा, हमारा पूरा स्टाफ मौजूद है और जांच में सहयोग करा है। 2 जून को ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ था। इसमें चेन्नई जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस, हावड़ा जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी आपस में टकरा गई थी। हादसे में 292 लोगों की मौत हो चुकी है। मामले की जांच सीबीआई कर रही है। ओडिशा ट्रिपल ट्रेन हादसे को लेकर बालासोर स्थित जीआरपीएस में 3 जून को एफआईआर दर्ज की गई थी। बाद में रेल मंत्री ने घटना की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। केंद्र सरकार की सहमति के बाद सीबीआई ने केस अपने हाथ में लिया था। रेल मंत्री अश्विन वैष्णव मंगलवार शाम बहनागा बाजार पहुंचे। वैष्णव ने बताया, मैं यहां के लोगों से मिल रहा हूं। हादसे के दिन उनके सहयोग के लिए धन्यवाद करने आया हूं। यहां गांव और अस्पताल के विकास कार्य के लिए 2 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बालासोर रेल हादसे की जांच स्वतंत्र रूप से चल रही है।